आज से उत्तराखंड में वर्चुअल चुनाव प्रचार का आगाज होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी आज से वर्चुअली रैलियां शुरू करने जा रही है। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में वर्चुअल रैलियां करेगी। नव परिवर्तन संवाद के तहत ये रैलियां होनी है उत्तराखंड भर में, जिसमें आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता शरीक होंगे, उत्तराखंड के लोगों से संवाद करेंगे। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आगामी चुनाव को लेकर नव परिवर्तन संवाद करने वाले हैं और 16 जनवरी तक पार्टी के नेता लगातार वर्चुअल प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। वर्चुअली सभी पार्टियां आ चुकी हैं, क्योंकि पहले से सरकार ने भी ये कहा था कि कोई रैलीज रोड शोज नहीं होंगे। उसके बाद ये चुनाव आयोग ने भी कहा, जिसके बाद से सभी पार्टियां वर्चुअली आ गई हैं, शुरुआत कर रही है आम आदमी पार्टी। इसी पर और जानकारी लेते हैं, पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से। पंकज, नव परिवर्तन संवाद आज से होने जा रहा है आम आदमी पार्टी का, वर्चुअल माध्यम से संवाद होगा। डिप्टी सीएम सिसोदिया इसको संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे आम लोगों से। क्या तैयारी है इसको लेकर और क्या जानकारी, कितने बजे से ये संवाद शुरू हो जाएगा? दीपा, देखिए, नव परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ जब अरविंद केजरीवाल देहरादून आए थे परेड ग्राउंड से, उन्होंने कर दिया था और वो एक फिजिकल संवाद हुआ था, तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन जैसे ही राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि किसी भी तरह की चुनावी गैदरिंग नहीं होगी, भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, उसके बाद अब पार्टियों के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वर्चुअल तरीके से ही वो अपने तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम नेता हैं, उनको अब संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि पूरी तरह से देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो रैलियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं। तमाम नेताओं के दौरे दिल्ली के देहरादून लगे हुए थे, उत्तराखंड में लगे हुए थे, उसके मद्देनज़र सभी नेताओं के जो दौरे थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब वर्चुअल माध्यम से ही ये तय किया गया है पार्टियों द्वारा कि अब वर्चुअल माध्यम से ही तमाम नेताओं को, जनता को संबोधित किया जाए। उसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है। देखिए, ये कहा जा सकता है क्योंकि टेक्निकल ज़माना है और इस दौर में जिस तरह से हाईटेक तरीके से तमाम व्यवस्थाएँ दिख रही हैं, उसी के मद्देनज़र ये व्यवस्था की गई है आम आदमी पार्टी ने। पिछले दो दिन से आम आदमी पार्टी के तो टेक्निकल टीम है वो लगी हुई थी, किस तरह से दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से नेताओं को, तमाम जो जनता है उसको संबोधित किया जाएगा, उसकी शुरुआत आज वर्चुअल तरीके से जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया करेंगे। और तकरीबन 12 बजे के करीब वो दिल्ली से यहाँ तमाम जो अलग अलग स्थानों पर इस पर नव परिवर्तन यात्रा का जो है वो डिजिटल तौर पर शुभारंभ करेंगे। और ये बड़ी बात है कि तमाम जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद अब पार्टियाँ खुद आगे आ रही हैं, वो डिजिटल ही अपने आप को लेकर चल रही हैं कि डिजिटल तरीके से चुनावी प्रचार किया जाए, उसकी शुरुआत आज आम आदमी पार्टी कर रही है। दीपा, ठीक है पंकज, शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी, और पार्टियों की क्या तैयारी है वहां पर डिजिटल तौर से प्रचार प्रसार को लेकर? क्योंकि लगातार पहले हमने देखा डिजिटल, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आई थी उत्तराखंड में, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है, और दो पार्टियों की क्या तैयारी आपको दिखाई देती है? देखिए, अब कुछ और रास्ता बचा नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो, दोनों ही पार्टियां अब डिजिटल तौर पर ही इस तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। सभी पार्टियों ने डिजिटल माध्यम से ही जनता को संबोधित करने की अपनी तैयारी कर ली है। और ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि चुनावों में अब देखा जाए तो एक महीने का वक्त बचा है, और इस एक महीने के वक्त में पार्टियों को अपने प्रत्याशियों के साथ साथ तमाम जो कार्यक्रम उनके तय किए गए थे उनको संबोधित करना होगा, और डिजिटली इसको प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट किया जा सके डिजिटली माध्यम से। तो भाजपा ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जितने भी सेंट्रल के नेता हैं वो डिजिटल माध्यम से दिल्ली से ही बैठकर यहाँ पर चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि पूरी तरीके से जो उनकी रैलियाँ, जैसे प्रियंका गांधी की रैली की 9 तारीख को तय की गई थी, उसको इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से कि डिजिटली तौर पर ही तमाम बड़े नेताओं से उत्तराखंड की जनता को संबोधित करा दिया जाए, माध्यम से जुड़ जाएंगे नेता, संवाद आसानी से हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए क्या होगा, गाँव में किस तरीके से संवाद कर पाएंगे, किस तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग हैं, बहुत अलहदा हैं उत्तराखंड की, इसलिए परेशानी पेश आ सकती है राजनीतिक दलों को। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी के लिए और तफसील से बताने के लिए।